हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस का। आर्म होल भी मिलूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में ले रही हूँ 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर दीजिए सीविंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। अब ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी। और हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस, तो वहाँ पे भी मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे आएगी मेरी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ 52 इंचेस। तो ये जो हमारा हिप्स का पॉइंट है उसे हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। अब ये आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस का, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल का शेप दे दिया। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में ले रही हूँ 3 इंचेस। और ये मैंने नेक का शेप बना दिया है। ये है हमारा बैक का नेक। तो ये मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है, अब हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट का टॉप कट करूँगी। तो ये हमने जो बैक पार्ट कट किया है उसे हम इसे इस तरह से प्लेस करेंगे। ये हमें राइट साइड पे ही प्लेस करना है। अब हम इसे एज इट इज मार्क करेंगे। तो ये होगा हमारा नेक, आर्म होल। इसे हम कमर की लेंथ तक मार्क करेंगे। अब मैं इसे हटा दूंगी। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो यहां से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यह है मेरी टॉप पार्ट की लेंथ। अब यहां से 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूंगी और यहां से मैं लूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इस पार्ट को कट करना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब ये इस पार्ट को हमने इस तरह से रखा हुआ है। अब हम बॉटम कट करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हमारी ब्रॉडनेस है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ से मैं बॉटम की लेंथ ले रही हूँ। टोटल लेंथ में ले रही हूँ 53 इंचेस। 1 इंच मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि 1 इंच हमें जॉइनिंग में चाहिए। तो यहाँ तक हम इसे क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे।
जो हमारी लेंथ है वहां तक हम इसे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जॉइनिंग आएगी, इसलिए मैंने 1 इंच ऐड किया हुआ है। अब ऊपर से 44 इंचेस पे मैं एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। अब हम दूसरी तरफ का हिस्सा कट करेंगे। तो फैब्रिक जो हमने बैक पार्ट है उसे वापस में रखूंगी। इस पार्ट को हम कट करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड कट किया था, अब हम राइट साइड कट करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने प्लेस किया हुआ है। ये दोनों मैंने राइट साइड पे ही रखे हुए हैं। अब मैं आर्म होल मार्क करूंगी। और ये हो जाएगा हमारा नेक। यहाँ पे भी मैं हमारी जो कमर की लेंथ है वहाँ पे मार्क करूँगी 15 इंचेस। अब मैं इसे हटा दूँगी। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब मैंने बॉटम के लिए एक और रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है, जिसकी ब्रॉडनेस है 23 इंचेस और लेंथ मैंने ली है, जो भी आपके बॉटम की लेंथ है वो मैंने इस तरह से ले ली है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो ये मैंने 4/4 लिया है 9 इंचेस का। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मैं स्लीव्स का शेप बनाऊँगी। लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 18 इंचेस और यहाँ पे मैं स्लीव्स की ब्रॉडनेस ले रही हूँ 6 इंचेस। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं स्लीव्स का शेप बनाऊंगी इस तरह से। तो ये मैंने मार्क कर लिया है, अब हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे ओवरलैप करेंगे, तो मैं इसके ऊपर इसे रखूंगी और यहाँ पे नेक को अच्छे से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से ये मैं ओवरलैप करूंगी। ओवरलैप करने के बाद आप नेक की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब उसके बाद हम लेस को यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह की ये मैंने ब्रॉड लेस ली हुई है, इसके ऊपर मैं रखूँगी और मैं सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करूँगी। तो ये मैंने लेस को लगा दिया है। अब हम नेक पार्ट बनाएंगे। तो ये मैंने दोनों को राइट साइड पे प्लेस किया हुआ है। तो मैंने नेक की शेप की स्ट्रिप कट कर ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से मैंने बैक पार्ट की भी स्ट्रिप कट की हुई है, उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैं नॉचेस लगाऊंगी। तो बस हल्के हाथों से आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो इसी तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम बैक पार्ट भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम बॉटम तैयार करेंगे फ्रंट का। तो सबसे पहले ये जो हमारी ओपन साइड है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड पे। उसी तरह से ये जो हमारी ब्लैक की बॉर्डर है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों बॉर्डर्स फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम गैदरिंग तैयार करने वाले हैं इसलिए बड़ी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम एक धागे को इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे गैदरिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने गैदरिंग तैयार की हुई है। इतना हिस्सा मैंने खुला रखा हुआ है, इस पे हम ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ओवरलैप करूँगी। और इसकी ब्रॉडनेस हमें मैच करनी है और जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बॉटम को मैं उल्टा रखूँगी और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है और ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बैक पार्ट को मैं उल्टा रखूंगी और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब मैं इसे इस तरह से ओपन करूंगी। और हम स्लीव्स फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्लीव्स को मैं उल्टा रखूंगी और यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और ये मैंने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है दोनों तरफ। अब हम नीचे ये जो हमारे ब्लैक फैब्रिक है यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो मैंने वही लेंथ में इस तरह का बेल्ट कट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 4.5 इंच। इसे हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से रखेंगे रॉन्ग साइड पे ही और दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी। अब मैं इसे राइट साइड पे टर्न कर लूँगी। इस तरह से राइट साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा के इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ से मैंने हल्का सा फोल्ड कर लिया है। अब मैं उसे यहाँ से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो चेस्ट पार्ट में ले रही हूँ 19 इंचेस का। आपका जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ कर दीजिए। आप चाहे तो 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। स्लीव्स की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 4.5 इंच। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की फिटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव की
भी फिटिंग करेंगे, और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे। तो इस पॉइंट को हम नीचे क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे 1 इंच के डिस्टेंस पे नीचे तक, दोनों तरफ से हम इसी तरह से फिटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगाने वाली हूँ, तो ये मैंने स्ट्रिंग तैयार कर ली है, उसे हम अंदर डाल देंगे और यहाँ पे हम सिलाई करते वक्त इस स्ट्रिंग को यहाँ पे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और इस तरह से ये स्ट्रिंग हमारी बाहर आ गई है। अब मैं इसके ऑपोजिट में एक और स्ट्रिंग लगाऊंगी, तो यहाँ पे इसके नीचे रखते हुए मैं सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दूंगी। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे, तो इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैंने इस तरह से टैसल्स लगा दिए हैं एंड में, और यहाँ पे मैंने इस तरह से टाई कर लिया है। तो ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइज, तैयार है हमारी डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।